सोसाइटी के आदर्शों को समझे और बयां करे। मंच पर आसीन हमारे साथ कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो इस मंच पर आसीन है और कांग्रेस पार्टी की असली ताकत इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के और आसपास के प्रदेशों को और देश से आए हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण और तमाम जनता जो इस प्रांगण में हमारे साथ मौजूद है, उन सबको मैं नतमस्तक होकर नमन करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है मेरे भाई और बहनों। आज के संदर्भ में देश के बारे में हमें चर्चा और चिंता करना होगा। जब ये जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है इस पैगाम के साथ कि जो आज इस देश में हुकूमत बैठी हुई है, जिन जन आकांक्षाओं के साथ, अभिलाषाओं के साथ इस देश में इस हुकूमत को रखा गया था, आज चारों तरफ हम देखें तो देश में अराजकता का माहौल अगर तैनात किया है तो इस मोदी सरकार ने पूरे देश में तैनात कर दिया है। मैं एक एक राज्य में जब घूमता हूं, एक एक गांव में जब घूमता हूं, एक एक गली में जब घूमता हूं, चाहे चर्चा होती है हमारे किसानों के बारे में, चाहे चर्चा होती है हमारे महिलाओं के बारे में, चाहे चर्चा होती है इस देश के भविष्य हमारे नौजवानों के बारे में, सूर्य का प्रकाश इनको नहीं दिख रहा लेकिन अंधेरा ही अंधेरा आज देश में मंडराया हुआ है। तो जैसे भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, वही आज एक बार फिर वही चुनौती है कि बादल को छटना होगा, सूर्य के प्रकाश को लाना होगा और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना होगा इस देश। आज किसान की आत्महत्या के कागार पर हो चुका। भाजपा के नेता कहते हैं कि आत्महत्या तो रोज होती है, किसान को उसके लागत का दाम नहीं मिल रहा, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, ना बिजली ना खाद ना पानी, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम तो आसमान से भी पार हो चुके हैं। जब $120 तेल का दाम था तब उस समय 50 रुपए पेट्रोल का दाम, 55 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम होता था, एक रुपया भी बढ़ जाए तो ये आंदोलन करते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब पेट्रोल और डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में $70 प्रति बैरल पे आ गया तो मेरे देश के हितग्राहियों को डंडे से पीठ पर मार 80 रुपए पेट्रोल का दाम और 70 रुपए डीजल का दाम क्यों लेके आए हैं मोदी सरकार, इसका जवाब देना होगा। आज मेरा मेरा नौजवान बेरोजगारी के ठोकरे खा रहा है। ये मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, हर दिन मेरा नौजवान कॉलेज का डिग्री लेके आता है लेकिन रोजगार का अवसर उत्पन्न नहीं हो पाता है। महिला असुरक्षित अपने आप को समझ रही है, रोज दिन पर दिन बलात्कार हो रहा है। कठुआ और उन्नाव की घटना के बाद मैं तो ये मानता हूं कि हर देशवासी के माथे पर कलंक लग चुका है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हाँ ये नारा निकला है लेकिन इस नारा को परिवर्तित करना होगा, बेटी बचाओ नहीं लेकिन भाजपा के मंत्री और विधायकों से अपनी बेटियों को बचाओ का नारा बनाना होगा। ये वो देश है जहां हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते, यत्र नारायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है
देवता विराजते हैं। आज उस भारत में नारियों के साथ बलात्कार हो रहा है और इनके मंत्री संतरी तंत्री और प्रधानमंत्री देश के दौरे पे लगे हुए हैं। आज देश की अखंडता एकता पर आज चुनौती हो चुकी है। असहिष्णुता का वातावरण पूरे देश में, दलितों के विरुद्ध अत्याचार, इनका तो एक ही एजेंडा है, आरक्षण समाप्त करो और दलितों को और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में ले जाने की कोशिश करो। आज संसद पर इन्होंने अंकुश लगाने की कोशिश की, ये तय करना चाहते हैं कि संसद में क्या बोला जाए, कब बोला जाए, कैसे बोला जाए। तो आज इस जन आक्रोश आंदोलन में ये मुद्दा है कांग्रेस का नहीं मेरे भाई और बहनों, ये मुद्दा है आगामी जंग भाजपा के साथ नहीं, ये मुद्दा है कि जिन स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया आपको और हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने के लिए, उस स्वतंत्रता को हमें बचाए रखना होगा, देश के संविधान को बचाए रखना होगा। और आज से 2019 तक चुनाव तक आप और हमें सड़क पर उतर के इस देश को राहुल जी के नेतृत्व में दोबारा सुरक्षित करने का काम करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।